अजनाला कोर्ट ने तूफान सिंह के रिलीज करने के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। थोड़ी देर पहले अमृतसर पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दी थी जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है। तूफान सिंह को अमृतसर जेल से रिहा किया जाएगा। कल अमृतसर में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के सैकड़ों समर्थकों ने हथियार लेकर अजनाला पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया था। तलवारों और बंदूकों से लैस अमृतपाल के समर्थकों ने थाने पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद पंजाब पुलिस को इनके सामने झुकना पड़ा। अमृतपाल के करीबी लवप्रीत तूफान की रिहाई के ऐलान के बाद ही वो थाने से हटे और आज उसकी रिहाई हो रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दे, अजनाला कोर्ट से आदेश जारी कर दिया गया अमृतसर जेल से। लवप्रीत सिंह को कभी भी रिहा किया जा सकता है। कल अमृतपाल के समर्थक जो थे वो थाने का घेराव करने के लिए पहुंच गए। तो हमारे सहयोगी पुनीत परिंजा अजनाला अमृतसर से और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, चूंकि अब कोर्ट से भी रिहाई का आदेश दे दिया गया, कितनी देर में लवप्रीत सिंह को रिहा कर दिया जाएगा? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही कोर्ट की तरफ से रिहाई का आदेश जो है वो जारी हुआ है लवप्रीत सिंह तूफान का। और उसके बाद अब, क्योंकि जैसे ही जब खबर सामने आई उसके बाद एसएसपी जो है सतिंदर सिंह, उन्होंने खुद कंफर्म किया। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कि जो ऑर्डर है वो हो चुके हैं और उसके बाद अब ये लोग जो है जो रिहाई के ऑर्डर हैं वो लेकर अमृतसर जो जेल है जहाँ पर लवप्रीत सिंह तूफान जो है वो बंद है उसके पुलिस सुपरिटेंडेंट के पास जाएंगे, जेल सुपरिटेंडेंट के पास जाएंगे। और उसके बाद तकरीबन शाम तक हो सकता है इसमें कि थोड़ा वक्त लगेगा, उसके बाद ये लोग एप्लीकेशन वहाँ लेकर जाएंगे और उसके बाद रिहाई होगी। ये खबर जो है अब कन्फर्म हो चुकी है। और इसी बीच प्रिया, मैं आपको यहाँ की अगर मैं तस्वीर दिखाऊँ अजनाला की, जब जहाँ पर कल काफ़ी हंगामा हुआ था, आज भी ये पूरा इलाका जो है वो छावनी में आपको यहाँ पर तब्दील नज़र आएगा। चारों तरफ जहाँ जहाँ कैमरे की नज़र जाएगी यहाँ पर सिर्फ पुलिस ही पुलिस नज़र आ रही है। आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर चारों तरफ से कैमरा जो है जो तस्वीरें दिखा रहा है और भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात है। सभी अफसर जो हैं, चाहे वो आईजी लेवल के हों या एसएसपी हों, खुद यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने अपनी कमान यहाँ पर संभाली हुई है। एसएसपी ये कह रहे हैं कि पुलिस का मोराल डाउन नहीं हुआ है और शांति बनाए रखने के लिए कुछ स्टेप पुलिस ने जरूर उठाए हैं। और उसी में ये हिस्सा है कि अमृतपाल की बात के बाद जो बात हुई उसके बाद एक एसआईटी गठित की गई और साथ ही ये शांति बनाए रखने के लिए ये किया गया है कि तूफान सिंह जिनको पकड़ा गया था उनको रिहाई करने के ऑर्डर जो है वो दिए गए हैं। हालांकि एसआईटी इसकी पूरी जांच करेगी और उनके पास जो लाइसेंस वेपन्स हैं उसके बारे में जब पूछा गया कि कहां से वेपन्स है, क्या वो लाइसेंसी है, कैसे है, तो उनका कहा कि ज़्यादातर जो वेपन्स हैं उनके पास लाइसेंसी है, बाकी वो जाँच का विषय है। लेकिन बहरहाल बाहर की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊँ तो यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल अभी भी तैनात है। कल जिस तरह से यहाँ पर हंगामा देखने को मिला और अमृतपाल जो है वो खुद यहाँ से कुछ दूर आगे जो है गुरुद्वारा साहिब है, बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा, वहाँ पर वो वहाँ पर आज अमृत संचार का जो कार्यक्रम है वहाँ पर चल रहा है, वो खुद वहाँ पर मौजूद हैं प्रिया। और साथ ही साथ ये जरूर है कि आज क्योंकि कोर्ट ने अब ऑर्डर दे दिया है तूफान सिंह की रिहाई का, तो लिहाजा अब उनके जो परिवार वाले हैं वो ऑर्डर की अर्जी लेकर पहुंचेंगे जो कोर्ट से उनको अर्जी मिलेगी, उसके बाद वो एसएस जो सुपरिटेंडेंट है जेल के उनके पास जाएंगे और उसके बाद उनको रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है प्रिया, पुनीत आपके पास अभी आएंगे और हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिरकार जब रिहाई होगी तब का माहौल कैसा होगा। क्या खुद अमृतपाल सिंह उन्हें रिसीव करने के लिए जाएंगे या उनके समर्थक वहां पर पहुंचेंगे लवप्रीत को लेने के लिए? लेकिन उससे पहले एसएसपी ने क्या कहा है जिनसे आपने बात की थी, एक बार सुना देते हैं। कोर्ट तो अब क्या कार्रवाई हो गया? अब ठीक है, वो अब अमृतसर जेल से ही छूटेगा जी। कैसे सर, क्या प्रोसीजर? उसके जितने भी उसके घर वाले हैं उसको ऑर्डर्स को अमृतसर जेल में ले जाएंगे, वहाँ से छूटेगा जी। आपने जो एप्लीकेशन मूव की थी वो क्या थी? एप्लीकेशन देखिए एप्लीकेशन जो इन्होंने हमें कल एविडेंस दिया था जी, वो एविडेंस ही हमने एप्लीकेशन में लगाया था, उस एविडेंस के बेस पे ही एप्लीकेशन मूव की थी जी। सो अब कोर्ट वो सारा एविडेंस देख ही कन्विंस होता है जी कि जो इनका है तो उसके अकॉर्डिंगली ही ऑर्डर हुआ जी। क्या ऑर्डर आया सर? एक ऑर्डर जो रिलीज के ऑर्डर होते हैं बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है, अमृतसर जेल से। हमारे साथ पुनीत परिंजा जुड़ गए यहाँ पर, आप सुन रहे थे एसएसपी जो बता रहे थे कि जो रिलीज होगा वो अमृतसर जेल से रिलीज हो जाएगा, कोर्ट से ऑर्डर आ चुके हैं। अच्छा पुनीत, एक बात जरा समझा दीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि पुलिस ने पहले लवप्रीत को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करने के बाद वो जेल चले गए। अगर जेल गए तो यानी कि कुछ ना कुछ एविडेंस रहा होगा, पुलिस ने दिया होगा। अचानक ऐसा क्या हुआ कि एविडेंस सारे के सारे दरकिनार हो गए, उनको छोड़ा जा रहा है?
वो यहाँ पर अब आने शुरू हो गए हैं। जैसे उन्हें पता लगा कि जेल से रिहा होंगे, ये सामने आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो जत्था पूरा का पूरा एक ग्रुप जो है वो अमृतपाल के समर्थक, जो कि यहाँ से कुछ दूरी पर ये गुरुद्वारा था वहाँ पर ये रुके हुए थे। इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अमृतपाल सिंह के समर्थक हैं। हो सकता है कि अमृतपाल भी इन्हें मौजूद हो, मैं जरूर ये देखने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, ये बिल्कुल जेल के पास इस वक्त जो थाना था, थाने के पास ये पहुंच चुके हैं और अमृतपाल भी इस गाड़ी में मौजूद हैं। मैं कोशिश करूंगा उनसे बात अगर हो पाए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, यहाँ पर बकायदा अमृतपाल जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे मैं बात करने की कोशिश जरूर करूंगा। इस वक्त आप तस्वीरें देखिए, ये मैं बात करने की कोशिश जरूर करता हूँ, ये इस वक्त मैं बात करने की कोशिश करूं। अगर भाई सर जी आज रिलीज का ऑर्डर मिल गया है, क्या कहना है आपका? चढ़दी कला है, महाराज ने कृपा की थी, असि गुरुद्वारे जा रहे हैं, गुरुद्वारा कौन से गुरुद्वारा जा रही है? ये दरसिंह सभा गुरुद्वारा। अच्छा, लेकिन अभी आपका क्या प्लान रहेगा आगे? बस चढ़दी कला, शांति। अमृतपाल जी, एक सवाल जो है कि मैंने कल आपसे इंटरव्यू भी जब किया, उसके बाद ये है कि आपके यहाँ पर काफी ज्यादा हथियारबंद लोग हैं, तो क्या सभी लाइसेंसी रहते हैं या कैसे? लाइसेंस आप इसकी एक लिस्ट भी दी थी शायद पुलिस, सब कुछ होने पड़ेगा, देयर लाइसेंस। जो आज मुहिम थी जो आपने यहाँ पे किया, रंग लाइया, जिससे आप देख रहे थे जी। ये कह रहे हैं कि अभी आप गुरुद्वारा जा रहे हैं, रिलीज के ऑर्डर मिल गए हैं, और इस वक्त आप ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये काफी ज्यादा हजूम में आपको नजर आ रहा है। एक चीज हम जानना चाहते हैं, अगर पूछ पाए, क्या वो लवप्रीत को लेने भी जाएंगे जेल? लवप्रीत को क्या लेने जाएंगे अमृतपाल सिंह? यार रहते, उनका यही कहना है कि सारे लाइसेंसी हथियार हैं, कोई दिक्कत नहीं, और इसकी जो लिस्ट है वो दी गई है। ये आप तस्वीरें देखिए, ये जयकारे जो बोले सो निहाल के जयकारों के साथ जो है ये काफिला जो है अब आगे बढ़ रहा है। अगर आपको आवाज मिल रही है तो आप अमृतपाल से पूछेंगे क्या वो लवप्रीत को लेने जेल जाएंगे? तो लगातार जो बवाल था कल वो अब शांत होता यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और अमृतपाल खुद जो है वो इस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं, और गाड़ी संख्या में इनके साथ इनके समर्थक जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त आपको नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो लगातार इस समय ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, लगातार आप देख सकते हैं कि उनके जो समर्थक हैं वो नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर जयकारा जो है वो लगाया जा रहा है उनके द्वारा, और इनके यही कहना है कि आज शांति बनी रहेगी जी। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं, उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। शांति तो जी प्रशासन ने बनानी है, हमारी जो मांग है वो पूरी कर दें, शांति शांति है। मांग तो पूरी हो गई, मांग पूरी हो गई तो शांति, हमें क्या करना झगड़ा करके, हम क्यों झगड़ा करेंगे? सिख शांत प्रिय गुरुद्वारा साहिब जा रहे माता, हम तो सतनाम वाहेगुरु का जाप करते हुए जा रहे हैं। गुरुद्वारा जाएंगे जब सिंह साहब गुरुद्वारा जा रहे हैं। कितनी दूर है यहाँ? बस थोड़ी दूरी है जी, 1.5 किलोमीटर होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से कल यहाँ पे देखने को मिला, हंगामा देखने को लगा, उसके बाद पुलिस ने अपनी एप्लीकेशन मूव की, आज कोर्ट में सुनवाई हुई, उसके बाद जो रिहाई के ऑर्डर हैं वो कोर्ट ने कर दिए हैं। हालांकि अब परिवार वाले जो हैं वो पूरे कागजात लेकर अमृतसर जेल में जाएंगे, और उसके बाद कम से कम शायद 4 से 5 बजे का वक्त जो है वो लग सकता है, क्योंकि जो कागजी कार्रवाई होगी उसके बाद ये रिहा किए जाएंगे। जी जी अमित, बिल्कुल पुनीत, और तस्वीरों में हम देख भी पा रहे हैं अमृतपाल सिंह खुद आ रहे हैं, और जब हमारे सहयोगी पुनीत परिंजा ने उनसे बातचीत की तो वो बता रहे हैं कि हम तो गुरुद्वारे के लिए जा रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ होगा। समर्थकों को भी आपने सुना, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर हमारी बात मान ली जाएगी तो सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हल हो जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।